अभिजीतपुर हॉल्ट को स्टेशन का दर्जा दी जाए, दीप नारायण सिंह। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत मिचीतपुर हॉल्ट में यूथ फोर्स के बैनर तले एक दिवसीय धरना दिया गया, जहां धरना को संबोधित करते हुए यूथ फोर्स के प्रधान संयोजक दीप नारायण सिंह ने कहा कि मिचीतपुर हॉल्ट को विकसित करने के लिए और मिचीतपुर हॉल्ट में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पिछले 20 वर्षों से लगातार गांव के लोग आंदोलन कर रहे हैं। स्थानीय विधायक सांसद का मिचीतपुर हॉल्ट के विकास में कोई रुचि नहीं है। झारखंड प्रदेश निर्माण के 20 साल बीत जाने के बाद भी श्यामडीह तोपचाची मुख्य सड़क से मिचीतपुर हॉल्ट तक पक्की सड़क नहीं है। मुख्य सड़क से मिचीतपुर हॉल्ट को जोड़ने वाली सड़क में चलना भी मुश्किल है। मिचीतपुर हॉल्ट में यात्रियों के लिए शौचालय और स्वच्छ पेयजल का भी व्यवस्था नहीं है। मिचीतपुर हॉल्ट में यात्रियों के लिए उपयुक्त सड़क, लाइट, प्लेटफॉर्म एवं सुरक्षा का घोर अभाव है, जो चिंतनीय है। आंदोलन की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज एक दिवसीय धरना यूथ फोर्स के बैनर तले दिया जा रहा है। धरना की अध्यक्षता यूथ फोर्स बाघमारा प्रखंड के अध्यक्ष गोपाल गोप एवं संचालन यूथ फोर्स के केंद्रीय सचिव सूरज कुमार सिंह ने किया। मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं सहित भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थे। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आवाज तो हम एक है, एक है, एक है। आवाज तो हम एक है। आसानी से जा सकते हैं। राज्य अलग हुए लगभग 20-21 वर्ष हो गया और इस रेलखंड में यानी कि पूरी स्टेशन है, यह रेलखंड धनबाद जिला में अवस्थित है, धनबाद रेलखंड के अंतर्गत आता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे देश में यह धनबाद रेलखंड राजस्व देने में एक नंबर में है। पिछले दिनों जब रेल के अधिकारियों से हमारी बात हो रही थी तो उन लोगों ने हमको कहने का काम किया कि स्टेशन का दर्जा नहीं होने के चलते भी बहुत कुछ काम हम लोग चाहने के बावजूद भी नहीं कर पाते। मैंने रेल अधिकारियों से कहने का काम किया कि स्टेशन का दर्जा दिलाने का काम रेल विभाग का। अभी आप लोग सभी लोग आए हुए होंगे, श्यामडीह तोपचाची मुख्य सड़क से जब हम लोग स्टेशन की ओर आते हैं, रास्ते की यह स्थिति है, सड़क की यह स्थिति है कि अच्छे तरह से उसमें लोग पैदल भी चलकर आने में लोगों को परेशानी होती है। सोचना होगा, जगना होगा, अपना अधिकार के लिए लड़ना होगा। कल ही कुछ साथियों ने मुझे कहने का काम किया है कि धनबाद से पारसनाथ तक जो भी काम होगा यहाँ का लोकल लोग करने का काम करेंगे। और मैं साथी आप लोग को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप लोग हिम्मत देने का काम करिए, आप लोग सहयोग करने का काम करिए। मैं रेल प्रशासन का ईंट से ईंट बजा दूंगा। आवाज तो हमें एक है। हम लोगों ने अभी जो आज का जो यह सांकेतिक धरना है, धरने के माध्यम से जो हम लोगों की मांग थी उसको हम लोग उपस्थित अधिकारियों के माध्यम से, उचित माध्यम से DRM धनबाद के नाम एक मांग पत्र देने का काम किया है और इसकी प्रतिलिपि रेल मंत्री हाजीपुर जोन के महाप्रबंधक और अपने राज्य के
सम्मानित मुख्यमंत्री को देने का काम किया है। के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज यूथ फोर्स के बैनर पर निकितपुर हॉल्ट में मूलभूत यात्री सुविधा को लेकर एक दिवसीय धरना दिया गया और इस धरने के माध्यम से, सात सूत्री मांग के माध्यम से, हम लोगों ने रेल प्रशासन से मांग करने का काम किया है कि जो मूलभूत सुविधा जैसे पानी, शौचालय, स्टेशन तक आने के लिए, आवागमन के लिए अच्छी सड़क और सुरक्षा, बिजली की व्यवस्था, पर्याप्त शेड, पर्याप्त प्लेटफार्म, इन्हीं सब विषयों को लेकर आज का यह धरना था। आज के धरना के माध्यम से अगर रेलवे प्रशासन आपकी और आपका बात की ओर ध्यान नहीं देती है तो अगला कदम क्या? रेलवे प्रशासन ध्यान देगी। आज का यह सांकेतिक धरना है और सुबह से ही कई एक अधिकारियों ने संपर्क करने का काम किया और उन लोगों ने गंभीरता भी दिखाने का प्रयास किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः एक बार रेल विभाग से आग्रह करना चाहूँगा कि जनहित से जुड़े जो मुद्दा निकितपुर स्टेशन से संबंधित है उसको पूरा करने का काम करें, अन्यथा हम लोग आगे एक चरणबद्ध आंदोलन करने का काम करेंगे। आज जो हम लोग मेमोरेंडम दिए उसमें हम लोगों ने स्पष्ट करने का काम किया है कि हम लोग 3 महीना के अंदर अगर सभी मांगों को नहीं मानी गई तो पुनः हम लोग जोरदार तरीके से हम लोग आंदोलन करेंगे। और यहाँ के ग्रामीण जानते हैं, क्योंकि हम लोग झारखंड के आंदोलनकारी लोग हैं, जब राज्य हम लोग लड़के ले सकते हैं तो अपनी जो निकितपुर से संबंधित जितनी भी सुविधा है उसको हम लोग लड़के ले सकते हैं। आपने बोला कि जनप्रतिनिधि आर्थिक बिंदु पर सभी लोग घूमते रहते हैं लेकिन जन मुद्दाओं की ओर किसी का ध्यान नहीं है। मैं आपको बताऊं कि यह जो निकितपुर स्टेशन है लगभग एक बड़ी आबादी जो बागमारा विधानसभा से सटे हुए है, कुंडी विधानसभा जैसे जो सटे हुए लगभग 10-12 पंचायत बागमारा विधानसभा का, 10-12 पंचायत कुंडी विधानसभा का, उसका रेल से आवागमन का प्रमुख आप कह सकते तो यही निकितपुर हॉल्ट है। और उसके बावजूद भी जितनी गंभीरता जनप्रतिनिधि को दिखानी चाहिए, अगर उन लोग गंभीर होते तो मुझे लगता है कि लगभग 30 साल इस हॉल्ट का बना हुआ हो गया, 30 साल में यहाँ का दूसरा तरह का एक नज़ारा रहता, यहाँ का कायाकल्प हुआ रहता। और इसी के चलते हम कह सकते हैं कि वर्तमान जो भी जनप्रतिनिधि है उन लोगों का जनहित से जुड़े जो मुद्दा है उसमें इंटरेस्ट कम, रुचि कम और आर्थिक जो मुद्दा है उसके इर्द गिर्द जो भी मुद्दा है उसमें रुचि ज़्यादा दिखाने का काम करता है। धन्यवाद।